झारखंड पुलिस लगातार राज्य से नक्सलियों की सफाई के लिए अभियान चला रही है और पुलिस को सफलता भी हाथ लग रही है। इसी वर्ष की बात करें तो जनवरी से लेकर 28 मई तक 29 मुठभेड़ में 20 नक्सली मारे जा चुके हैं और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। साथ ही लाखों रुपए भी पुलिस के हाथ लगे हैं। लगातार मिली सफलता से पुलिस का मनोबल भी बढ़ा है। प्रत्येक दो तीन दिनों पर मुठभेड़ नक्सलियों के साथ यहाँ पर हो रही है। इन मुठभेड़ में अब तक 20 नक्सली आज तक इस वर्ष में मारे जा चुके हैं, जो कि विभिन्न संगठनों के हैं। 162 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं इस वर्ष। 48 रेगुलर हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें से 41 पुलिस हथियार हैं, और लगभग 95 कंट्री मेड वेपन्स और गन्स बरामद हुई हैं। झारखंड पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस की मदद करें और उनकी संपत्तियों की जानकारी अगर हो तो पुलिस को दें, क्योंकि नक्सलियों की संपत्ति को पुलिस खंगाल रही है और उसे जब्त भी कर रही है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो और राज्य से नक्सलियों का सफाया हो सके। पिछले वर्ष किए गए अभियान के चलते बड़े बड़े नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया गया था। लगभग 47 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जिनका मुख्य कारण क्योंकि हम लोग उनकी संपत्ति को जब्त कर रहे थे। तो इस अभियान को भी हम लोग आगे चला रहे हैं। और मैं जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि अगर उनको भी नक्सलियों की संपत्ति के बारे में कोई सूचना मिलती है तो हम लोगों को सूचित करें और हम लोग उनको सूटेबली रिपोर्ट करेंगे। झारखंड पुलिस की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वर्ष 162 नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 24 शीर्ष नक्सली शामिल हैं। और अभियानों के क्रम में पुलिस को 41 हथियार और भारी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद हुए हैं। रफी सामी, APN, रांची।